हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडेस्ट। टुडे इज़ माय क्लास स्टार्टेड। आई होप ऑल ऑफ यू वेल डूइंग वेल। तो टुडे इज़ माय क्लास स्टार्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस। तो आज हम देखेंगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो विजन आईएएस है उसके जो प्लान है क्वेश्चन आंसर उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है जो विजन आईएएस के जो क्वेश्चन प्लान है उसके बारे में हम डिटेल्स काफ़ी देखेंगे। तो यहाँ पर है मेरे जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्लान है, जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसके बारे में मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल है। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पहले जो हम देखते हैं जो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है ये, तो किस तरह से जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज है वो बनाती है। तो ये मेरे पास जो प्रीवियस ईयर जो पुराने पेपर है जो 2019 का ही जो पेपर है, तो इसको हम देखेंगे काफ़ी डिटेल से किस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो विजन आईएएस का है यहाँ पर ये मॉडर्न इंडिया का है ना। तो इसमें क्या है, इंडिया इन द इनलाइट क्या है 18th सेंचुरी। जो इंडिया की जो 18th सेंचुरी में जो भी आपके हुए हैं एडवांस यूरोप में, तो उसके बारे में 18th सेंचुरी में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स दिया है। तो इसका सिलेबस है जो क्या क्या जो मॉडर्न इंडिया में जो ये पीटी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 06, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स दिया है ना। तो हम देखेंगे कि जो इंडिया जो लेट है एनलाइटमेंट, मतलब जो आपका 18th सेंचुरी, ओके 18th सेंचुरी हो गया, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन एंड ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया हो गया, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया, रिफॉर्म हो गया, इम्पैक्ट हो गया, तो ये सब क्या जो सिलेबस के जो भी अंदर है वो क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो सोचते हैं रिलीजियस मूवमेंट हो गया इन 20th सेंचुरी हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, चेंज आफ्टर 1857 हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया 1905 से 70 तक ना, एमरजेंसीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड लीडर्स हो गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, द गांधीयन ईरा हो गया 1917 से 1947 तक ना, तो रॉयलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग मैस्करे हो गया एंड खिलाफत मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसओबिडेंस एंड क्वाइट क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और ब्रिटिश रिस्पॉन्स एंड क्या नेगोशिएशन INA क्या सुभाष चंद्र बोस हो गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मिस्किलिंस हो गया, रिफॉर्म्स एक्ट हो गया, कमिटी कांग्रेस तो सेशन गवर्नर जनरल वायसराय। तो इस सब के बारे में क्या है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है क्वेश्चन बनाती है ना। तो हम देखते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या क्या क्वेश्चन बनाया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन अपना सेट करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम के पहले आप जो भी आप पीटी टेस्ट लगते हैं, चाहे आप फॉरम आईएएस हो, चाहे आपका जीएस स्कोर हो, चाहे आपका इनसाइट आईएएस हो, फिर विजन आईएएस हो, आप जो भी टेस्ट लगाते हैं वो काफ़ी बेनिफिट रहता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पोस्ट 1857 के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वॉज वेयर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्व नेशनलिस्ट अगेंस्ट द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसमें जो तीन ऑप्शन जो तीन स्टेटमेंट दिया रहता है वो देखिए, इंडियन सोल्जर्स वेयर प्रोमोटेड टू ऑफिसर रैंक्स वेरी फ्रीक्वेंटली सो दैट दे रिमेन इनोवेटिव एंड लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, कम्युनल कास्ट हो गया, ट्राइबल एंड रीजनल हो गया, लॉयल्टीज एंड डिस्प्यूट अमंग हो गया, सोल्जर्स हो गया, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स वेयर प्रीवेंटेड। तो आपको तीन स्टेटमेंट दिया जाएगा, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 3 only, तो आपको इनमें से एक चॉइस करना है। तो आप देखेंगे जो तीसरा स्टेटमेंट कहाँ 1, 2, 3, तो आप देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो पैटर्न में आपको बता, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स। तो इसके बाद देखिए आप तीसरे स्टेटमेंट में किस कहाँ कहाँ जो इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन है, तो आई डोंट नो इसके दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट हम देखेंगे, बाय 1908 द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट डिक्लाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब जो आपका जो मूवमेंट हुआ था 1980 स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, वो किस तरह से उसका हास हुआ था। तो इसमें देखिए, एनुलमेंट ऑफ द बंगाल पार्टीशन, स्प्लिट इन कांग्रेस हो गया, अरेस्ट एंड डिप्रेशन ऑफ लीडर्स हो गया। तो आई थिंक डी होना चाहिए, 1, 2 and 2, 3। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या है यहाँ पे सेट करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले किस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो हर प्रकार के जो क्वेश्चन है जिन्हों आपको जब एग्ज़ाम से जाने से पहले आप किस तरह से अपना जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बारे में यहाँ काफ़ी डिटेल से दिया रहता है। ओके, सॉरी फॉर, तो विथ रिफरेंस टू फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन हो गया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फिक्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह से जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी दिया रहता है यहाँ पे। तो आप सॉल्व कीजिएगा, तो मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं ना, इस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना जो टेस्ट सीरीज लगा देते हैं और उसका सॉल्व देखते हैं हम किस तरह से जो लास्ट में यहाँ पे देखते हैं। आप जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं तो एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि 2 से 3 आवर्स लगता है इसमें टाइम। तो पीछे आपका गोला भी दिया है, आप किस तरह से लगाएंगे,
किस तरह से आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इसमें गोला भरेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया है। जैसे कि ये पहला का क्या डी आंसर दिया है, तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन सोल्व कराया तो देखिए ए डी थर्ड ओनली, तो आपको तीसरे स्टेटमेंट को देखिए मैंने आप बताया ना डी ऑप्शन, तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है, थर्ड ओनली आंसर है ना। अब सेकंड आंसर देखिए, जो सेकंड आंसर क्या है यहाँ पे सी दिया है, सेकंड आंसर है क्या आपका टू एंड थ्री दिया है, इसमें जो वन ऑप्शन है वो एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब जो एनमेंट ऑफ द बंगाल पार्टीशन जी इसका कोई संबंध नहीं था 90, तो वो कर्जन के समय था 90 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ओके, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को धीरे धीरे करके एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। आप एलिमिनेशन जो एलिमिनेशन टेक्निक से एलिमिनेशन टेक्निक से ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप सीधे अगर खेलोगे तो सीधा बोल्ड हो जाओगे, इसलिए आप एलिमिनेशन टेक्निक करिए और क्वेश्चन को केयरफुली हो रीडिंग और एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, तभी आपका सही उत्तर तक आप पहुँच पाएंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया, यानी जो एटक के बारे में पूछा है, ये एटक ना जो बाल गंगाधर तिलक ने, तो लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एटक, इट डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन, तो आई थिंक इट वॉज डिविजन 1990। आई थिंक पहला ऑप्शन मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आंसर ही देख लेते हैं हम सीधे डायरेक्ट। फिफ्थ का आंसर क्या है बी, तो ये इसमें क्या है वन एंड टू दिया है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इट डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन, तो ना आपका तीसरा स्टेटमेंट 11 हो गया, तो तीसरे इसमें 28 में है, तो बचा आपके पास दो। अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इसमें आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, तो वन एंड टू ओनली इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये मॉडल इंडिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है ये प्रीवियस 2080 का है, तो देखिए यहाँ पे विजन आइस का टेस्ट 31 है, ये सोशल डेवलपमेंट हो गया एंड इंडिया ईयर बुक है, तो जो हर साल जो गवर्नमेंट हो गया आपका इंडिया ईयर बुक क्या पब्लिश करती है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपना अपना बनाते हैं, तो ये पुराना है। यहाँ भी देखिए एंशेंट हिस्ट्री एंड क्या आर्ट एंड कल्चर, तो ये भी है क्या मेडिवल इंडिया, तो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं आप, तो यू कैन सी दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC जो एस्पायरेंट है वो क्या करते हैं, जो आपका एग्जाम से एक महीना दो महीने पहले बच गया, अभी तो एग्जाम 5 जून को है 2022 का, तो आप सभी लोग को टेस्ट सीरीज लगा ली, कई लोग क्या जनवरी में लगाते हैं, कई लोग फरवरी में, कोई जो लास्ट के अंत में मंथ में लगाते हैं, तो इस तरह से क्या वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जियोग्राफी टेस्ट है, आपका जियोग्राफी सेकेंड हो गया, तो किस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रैटी डिफरेंट क्वांटिटी एंड क्वानरी एक्टिविटी, तो इस सिलेबस से ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेंसिटी रेसेस ट्राइब्स एंड सेटलमेंट हो गया, माइग्रेशन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी इंडिया हो गया, एग्रीकल्चर फॉर लैंड रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल एनर्जी हो गया, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन ट्रेड, पॉपुलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, करंट अफेयर नवंबर, ये तो ये पुरानी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो टेस्ट किस तरह से होते हैं ना। तो विजन आईएएस के पीटी टेस्ट सीरीज टेस्ट 18 में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गया, एनर्जी क्राइसिस एंड नॉन कन्वेंशन हो गया, सोर्स करंट अफेयर्स हो गया, तो क्या नाम है एक बार छोटा सा देख लें कि इसके अंदर जो क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ क्या रिफरेंस टू जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो आई डोंट नो, आई थिंक स्किप दिस क्वेश्चन, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इट यूजेस टेक्नोलॉजीज दैट रिसाइकल ओवर 95% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स ऑस्मोसिस इज कंपोनेंट ऑफ द JLD प्रोसेस, तो पुराने क्वेश्चन है बहुत सारे, तो मुझे क्या है ये आई डोंट नो दिस क्वेश्चन इज आंसर वेर। ओके, तो कंसिडर रिगार्डिंग की स्टोन स्पेसिस हो गया, तो इस तरह से क्या जो एनवायरनमेंट का है उस क्वेश्चन का हम आंसर देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या आंसर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट जो क्वेश्चन है तो यहाँ पूछता है जो UPSC, तो ये जो पीछे आपका काफ़ी जो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल के साथ दिया है। आप देखते हैं बायोलॉजी इक्विपमेंट में ये सुकन मीटिंग माइटिगेशंस एंड स्ट्रेटजीज हो गया, एक्ट पॉलिसीज हो गया, जो एनवायरनमेंट जो क्या क्या एक्ट है उसके बारे में जो UPSC क्या क्या पूछती है, एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग एंड इंपैक्ट असेसमेंट हो गया, एनवायरनमेंटल लॉट्स एंड पॉलिसीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन पूछती है, और इस तरह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या है अपना जो क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो बस ये विजन आईएएस की जो ये टेस्ट सीरीज है आप लगा सकते हैं, इस बार नई 2020, देखिए एग्जाम का डेट तो बहुत ही नज़दीक, आपके पास एक महीने से भी बहुत कम समय है, तो मैं सोचता हूँ आप सभी लोगों ने तो एग्जाम में लगा लिया होगा टेस्ट, जैसे कि किस तरह से देखिए चाइना बॉर्डर हो गया, ये आंसर है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाइना
सडिया ब्रिज हो गया, ओके, कोली भूमरा सेतु हो गया, म्यांमार हो गया। तीसरे से जो आंसर है काफी पीछे की एकदम डिटेल से दिया रहता है, ओके। वैसे जो जनाइस फिर से मेरे पास है, ये रीजन टेस्ट जियोग्राफी हो गया, इकोलॉजी एनवायरनमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो सभी टेस्ट वैसे ही उसी रहते हैं, बस सब्जेक्ट का अलग फर्क रहता है। तो ये हो गया, आप देखते हैं ये जो इंडियन इकोनॉमी हो गया आपका, इंडियन इकोनॉमी क्या है, नेशनल इनकम हो गया जो आपकी नेशनल इनकम होता है, अकाउंटिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP एंड GNP, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हो गया, मनी मनी एंड बैंकिंग हो गया, फंक्शन ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, नीड ऑफ बैंक्स हो गया, फंक्शन हो गया, टाइप्स बैंक्स, रिफॉर्म्स हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, एंड इट्स रोल, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट हो गया, डेफिनेशन टाइप्स हो गया, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। तो बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बजट टाइपिंग हो गया। तो इसके अंदर जो भी जो सिलेबस है, जिस पब्लिक फाइनेंस हो गया, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हो गया, डिफिसिट हो गया, टैक्सेस हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, तो इसके बारे में क्या यहाँ जो अंदर है वो पूरे क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी से जो भी संबंधित है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया कि आप इकोनॉमिक्स का नोट्स लिए, जैसे कि आपका डिटेल जाना है तो के शंकर कुरूप है, और उसके डिटेल पढ़ना है तो रमेश सिंह है, फिर नितिन सिंघानिया की बुक है इकोनॉमिक्स की, तो आप पढ़ सकते हैं। अभी जो पढ़ने का नया बुक पढ़ने का बिल्कुल टाइम है, अभी सिर्फ आप ये कीजिए रिवाइज पे रिवाइज, जितना हो सके रिवाइज कीजिए ना, ओके। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्म्स ऑफ नैरो मनी, क्या है नैरो मनी, करेंसी नोट्स है, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड है, कमर्शियल बैंक्स है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से जो UPSC जो क्वेश्चन पूछता है काफ़ी घुमा के पूछती है, जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालते हैं वो काफ़ी टफ बनाते हैं, लेकिन जो UPSC का एक अलग पैटर्न है, वो जो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके, अदरवाइज यू विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये इकोनॉमिक्स है, पीछे क्या तमिल लाइन डेफिनेस कोर्स हो गया, ये इसी तरह मान हो गया, हॉजर हो गया, तो इसके जो पीछे है आंसर वेल ये रहता है, ओके, आप सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी है आपका सेकंड है, आपका यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी सेकंड हो गया, फिर आपका बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कभी कभी 12 से 15 क्वेश्चन आस्क इन UPSC। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन 2019 का है, नहीं बन तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर हुए, तो ये आप प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में आस्किंग कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया है। इट इन्वॉल्व्स ग्रोविंग न्यू प्लांट्स बाय सेपरेटिंग फ्रॉम ग्रोविंग टिप ऑफ ए प्लांट, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एन जहाँ पे सतर खोजिए आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूजिंग टिश्यू कल्चर, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन। तो आई थिंक थर्ड स्टेटमेंट का पकड़िए, क्या क्या ये थर्ड स्टेटमेंट है, प्लांट टिश्यू कल्चर संबंधित है, यूजिंग टिशू कल्चर हो गया ना, यहाँ पे टिशू कल्चर लिखिए, तो आई थिंक 1, 2 और 3 होना चाहिए। देखिए थर्ड स्टेटमेंट करता हूँ मैं, आपका पहला ऑप्शन आता है, तो देखते हैं आंसर ही देख लेते हैं हम, पहले का क्या आंसर लिया हुआ, पहला का आंसर डी लिया है, देखिए 1 और 2, 3 मैंने कहा ना कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो कोचिंग वाले लोग क्वेश्चन सेट करते हैं और उसका आंसर जो है ना आपका पीछे लिया था, पहले आप ईमानदारी पूर्वक जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, देखिए इसमें 100 क्वेश्चन होता है, आपको अगर आप जो एग्ज़ाम बैठ रहे हैं UPSC में तो आप देखिए हार्डली 80 से 75 से 80 से ऊपर ना कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन 60 में हो रहा है 70 में हो रहा है तभी आप वहीं तक रुक जाइए, पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ओके। ये मैंने आपको बता दिया, ये इंडियन इकोनॉमी हो गया। अब देखते हैं ये फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें जो कंप्लीट जो रहता है पूरे सारे सब्जेक्ट भरे फुल लेंथ टेस्ट है ना, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, गवर्नेंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, सोशल डेवलपमेंट इकोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। तो इसमें क्या गया, जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है उसमें क्या करता है, जो पूरे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ करके पूछता है 100 क्वेश्चन, ओके, ये वही है, ये भी फुल लेंथ टेस्ट है, ओके, फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी फुल लेंथ टेस्ट है। और इसके अलावा देखते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे जो बजट आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो हर साल जो ईयर इकोनॉमिक बजट आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट 2019 है, करेंट अफेयर्स है, तो वहाँ से भी जो इकोनॉमिक सर्वे से वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वाले जो निकालते हैं ना, ये जो पेपर है आप ओल्ड राजेंद्र नगर ORN जाकर वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, इमेज रनर से, कहीं से भी आप बुक स्टोर से, वहाँ भरमा रहती है, जो ये 15-20-25 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है, आप जो अपने तैयारी में क्या है किस तरह से अपना इवोल्यूशन करेंगे, अपने आप को जाँचेंगे परखेंगे, आप इसका क्या करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं ना, ओके। तो इस तरह से है टेस्ट सीरीज,
यहाँ पे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कंप्लीट है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स के बारे में इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है। तो पहले क्या है, जो एक तरफ से टॉपिक दिया रहता है, उसके बाद इस टॉपिक के हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे भी फुल लेंथ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, तो ये सब क्या क्वेश्चन है विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में। ओके, यहाँ पे भी ज्योग्राफी का देखिए, फिर इंडियन पॉलिटी। अब यहाँ पे जो टेस्ट फर्स्ट नंबर है विजन आईएएस के पीटी टेस्ट 012651 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे जो पॉलिटी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना हम, जो ये जो आप बुक दिख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो काफ़ी सफिशेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ये पहला नंबर टेस्ट है इंडियन पॉलिटी में, क्या इसमें क्या क्या पढ़ रहा है, क्या क्या जो सिलेबस जो इसके अंदर पूछने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, कॉन्सेप्ट फॉर्म्स हो गया, एंड टाइप्स हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग हो गया, इवोल्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फीचर सिग्निफिकेंट प्रोविजन हो गया, द प्रीएम्बल हो गया, इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इमरजेंसी ऑफ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये जितने भी सिलेबस है ना, तो इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है इंडियन पॉलिटी के अंदर या इस टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। ओके, तो मैंने आपको शुरू ही बताया किस तरह से जो इसमें जो पहला क्वेश्चन ये रहता है किस तरह से हमें अटेम्प करना है, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन अटेम्प किए थे। ओके, तो यू कैन सी हाउ द सॉल्व दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन सॉल्व इज द जो आपका पीटी टेस्ट है, पीटी टेस्ट। ओके, देन यू विल बी स्टार्ट द क्वेश्चन स्टार्ट इन प्रीलिम टेस्ट इन रिविजन आईएएस टेस्ट सीरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मैंने देखे यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरह से मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया और किस तरह से जो आंसर है जो पीछे आपके ये रहता है। ओके ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विजन आई एस की जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से अटेम्प्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो गवर्नेंस एंड इंडिया के बारे भी है। ओके, तो ये सब टेस्ट सीरीज है, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गया, फिर आपके इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिर मॉडर्न इंडिया, देखिए मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया, 1905 हो गया, एमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो गया, गांधी ईरा हो गया, गांधी एडवेंट एंड अचीवमेंट हो गया, रॉयल अटैक हो गया, नॉन कॉपरेशन है, इसके बारे में रिविजन। अब यहाँ पे रिवाइज जो एडिशन होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने जो पढ़ा है रिवाइज, पॉलिटिकल सिस्टम प्लस वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडिया करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरह से क्या है आप जो विजन आइज का जो मेरी जो टेस्ट सीरीज है, मैंने यहाँ पे बस परचेज की थी, मैंने लगाया नहीं थी मैंने विजन आई एस का। ओके, और जो आपको जो लास्ट में मैंने बताने वाला हूँ जो आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम है, जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्लान होता है ना आपका। ओके, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्लान है उसके अंतर्गत क्या है आपका इंडियन न्यूअर, तो ये जो है आपका क्या है आपका आई एस जर्नलिस्ट इन 2000 सिटी, ये टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे होंगे ना, क्या टॉपिक देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट टाइम है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से, यहाँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 16, एंशिएंट इंडिया से 1, मेडिवल इंडिया से 3, मॉडर्न इंडिया 6, आर्ट एंड कल्चर से 6, इंडियन पॉलिटी से 5, ज्योग्राफी से 9, जनरल ज्योग्राफी से 2, इंडियन ज्योग्राफी से 7, इकोनॉमी से 28 क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से 18, जनरल साइंस से 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10, जीके एंड करंट अफेयर्स से 12। अब जो पेपर सेकंड है वो आपका सी सेट रहता है, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें कंप्रेशन हो गया 27 हो गया, रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी हो गया 22 हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी 31, टोटल 80 क्वेश्चन, मतलब सही सेट है, सी सेट के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछता है, सॉरी फॉर मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया, जनरल स्टडी 2060 का पेपर है। तो ये जो यूपीएससी के जो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्लान होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप सभी टेस्ट सीरीज लगा ले तो आप एक काम कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन प्लान है उसको आप क्या है बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे कि इसमें एंशिएंट इंडिया से इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एरिपटी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक हो गया, फिर आपका टेनिस विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मीण, और तो ये क्या है घटिकेस कॉलेज जनरल, तो आपको क्या जो सही है, जैसे डी ऑप्शन 1 एंड
थ्री, तो इसमें जो टू ऑप्शन को एडमिशन किया गया है, एडमिशन टेक्निक अपनाइए, तो क्या आंसर है 1 और 3। तो इस तरह से क्या जनरल स्टडीज़ है वो आप काफ़ी इसमें हमें मदद मिलेगी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो यूपीएससी के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए। जैसे कि यहाँ देखिए द स्वदेशी, ये जो मॉडर्न डे स्वदेशी एंड बॉयकॉट एडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एग्रीटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ साइमन न्यूज़, तो ये सब के ऑप्शन गलत है। एजिटेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल के स्वदेशी मीटर। तो इस तरह से जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान है उसको आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप जो कर रहे हैं जो भी सवाल, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, विच आर द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंड इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर सुंग डायनेस्टी, किससे संबंधित है? स्वप्नवाजिता है, मालकविक नेमित्र, मेघदूता हो गया, रत्नावली हो गया। तो आप लोगों को पता है अगर आपने आर्ट्स एंड कल्चर जो आपने बुक पढ़ी होगी ना, वहाँ मालकविक नेमित्र, तो आप ये वाली जो बुक देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके बारे में आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में काफ़ी डिटेल दिया है। जैसे कि मालकविक नेमित्र मात्र में पढ़ना है ना, तो आपको डिटेल से यहाँ दिया हुआ है इस बुक में, आप इस बुक को पढ़िए। आर्ट्स एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर ने काफ़ी डिटेल्स और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको क्या यहाँ पे दर्शाया है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ओके। तो इस तरह से जो आप प्रीवियस एजुकेशन प्लान लगा सकते हैं, जैसे विथ रिफरेंस ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिद्धा सित्रा द तमिल रीजन वेयर मोनोलिथिक्स एंड कंडमेंट एग्लोटी लिंगाइटिस ऑफ कन्नड रीजन एंड क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड ऑफ द कास्ट हायरार्की। तो इसमें आपको जो देखना है कि दोनों ऑप्शन सही है गलत है, तो आप एक ऑप्शन के भी अगर गलत ठहराते हैं तो आपको एफ एलिमेंट हो जाएगा। अगर दोनों सही, तो जैसे यहाँ सी वो बोथ 1 और 2 आर दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। एनी प्रॉब्लम कुछ? तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछता है, वहाँ एम बुद्धिया जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान है, ज्योग्राफी हो गया, तो आप इस तरह से आप क्या है पढ़ सकते हैं ना, ओके। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर प्लान को बहुत ही प्रिफरेंस दीजिए कि जो यूपीएससी का जो पैटर्न है किस तरह से फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एनजी, तो रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, इट स्पेंड द रिवर ऑफ कंजर्वेशन इफोर्ट्स हो गया, द नेशनल लेवल हो गया, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू द विच गंगा फ्लो बिकम्स द चेयरमैन ऑफ एनजी ऑन रोटेशन बेसिस हो गया। इसमें क्या आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेशनल जो NGRAB है ना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके क्या है क्या क्या जो गुण है फीचर इसके बारे में पूछा है, तो आंसर है 1 और 2 थर्ड नहीं। यहाँ देखिए वन ऑफ द तो आप क्या है सतर्क हो जाए, जो स्टेटमेंट है उसको पकड़िए, जो स्टेटमेंट में जो क्या कह रहे हैं, तो आपको जो बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड दे रहा है वन ऑफ द, जैसे कि आपका करेक्टली हो गया, फुल्ली हो गया, ओनली हो गया, ये सब जो स्टेटमेंट है ना एक्सट्रीमली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओनली, फुल्ली, कैन नॉट बी, अदरवाइज, एनी, मतलब ये सब जो वर्ड को आप पकड़िए। जो एडमिशन जो टेक्निक है वो बहुत, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए द टर्म इंडेटिव, जैसे कि द टर्म इंडेटिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स इन द न्यूज, जो हाल ही जो समाचार में जो भी चल रहा है आप करंट अफेयर्स में, द हिंदू पढ़ सकते हैं आप वहाँ से जो क्वेश्चन है, तो प्लीज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटीज रिफ्यूजीज फ्रॉम द वेयर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट, प्लान ऑफ एक्शन कंट्रोल बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के बारे में, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर कंट्रीज इन द स्टेबलिश ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसका आंसर बी है ना, बी, ये सभी स्टेटमेंट गलत हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी नॉट एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, ओके, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे कुछ जनरल फाइंड्स है यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर नेट मेटरिंग ऑफ द समटाइम्स इन द न्यूज़, तो ये जो आपका जो आप यू कैन रीड दिस न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आप डेली आप रीडिंग कर रहे हैं तभी आपको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो जो करंट से जोड़ के पूछता है आपका यूपीएससी, तो प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर, यूज ऑफ पाइप नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ द हाउस होल्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स इन द मोटर कार्स, तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन है ना, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, जी केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक इज लास्ट टाइम क्वेश्चन इज वेरी 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 हॉट दिस क्वेश्चन 2020-2019। तो जैसे ईयर बीते जाता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी टफ करते जाता है यूपीएससी, ओके। तो जनरल स्टडीज पेपर ही हो गया, यहाँ पे सी सेट हो गया, ओके।
इस तरह से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान लगाइए अपना जो टेस्ट सीरीज है, इस तरह से कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये आपका मेरा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान है जो यूपीएससी जो पूछा, जिसकी हर टॉपिक जैसे आई एस जनरेशन 2020 टॉपिक वाइज है, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी। तो इस तरह से क्या है, इसमें जो सभी क्वेश्चन से इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया विच आर द फॉलोइंग आर फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका आंसर है डीपीएसपी। तो एवरी ईयर यूपीएससी आस्किंग क्वेश्चन क्या है आपका, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ से जो यूपीएससी ना क्वेश्चन उठाती है, इसको काफ़ी आपको केयरफुली होकर रीडिंग करनी है। तो ये थे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान जो यूपीएससी पूछता है उसके बारे में, ये पूरी इंग्लिश में है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ जो यूपीएससी ने पूछते हैं। तो ये जनरल पेज पेपर पर, तो जैसे कि मैंने जिन जिन वर्षों पर मैंने क्वेश्चन लगाए हैं अटेम्प्ट किया है, तो ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का है, ये 2000 आपका 19 का है। तो ये मेरे खुद के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2019, 2017, 2021 हो गया, 2021 हो गया, 2017 हो गया और 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2018-18। तो हम क्या करेंगे, 2016 से लेंगे ना, हम 2016 से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से मैंने कर दी थी। तो एक्चुअल में जो आपका 2016 का जो पेपर है वो पूरी तरह से फुल्ली आपका क्या, आपका करेंट बेस्ड पे था ना, करेंट बेस्ड क्वेश्चन था ना आपका यहाँ पे क्वेश्चन आज यूपीएससी। तो क्या किया था उस साल, उसने कम से कम 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूरे दे दिए थे। और आप यहाँ पे देखेंगे जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा किस तरह से, यहाँ पे देखिए देखते हैं, विथ रिफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पूछ रहा है, ये पूरी तरह से करेंट अफेयर्स से ना, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इट मॉनिटर्स ऑफ द मैक्रो प्रोडिशन सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन एंड डिफाइन दिस क्वेश्चन। तो यू कैन आस्क इन यूपीएससी फर्स्ट टाइम क्या पूछा है इसमें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आस्क इन यूपीएससी डेवलपमेंट, यानी वो पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट किस तरह से भारत में आपका जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसका क्या है, विस्तार क्या है। तो इसका आंसर टू एंड थर्ड है ना, ओके। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि डॉक्टर विथआउट बॉर्डर्स मेडिसिन फ्रंटियर प्रायर समाचार में है क्या, एक गैर संगारी अंतर्गत कानूनी है, नहीं एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीसरे से क्या है, उस साल जो ना काफ़ी कर इस सत्य शोधक समाज के संगठन किसने किया, महाराष्ट्र में जाति विरुद्ध आंदोलन। तो ये क्या मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो काफ़ी जैसे कि एजेंडा 21 क्या है किस, तो ये केवल फर्स्ट वर्ल्ड है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इस तरह से जो यूपीएससी ने उस साल बहुत सारे करेंट अफेयर्स पूछा था, ओके। तो ये है मेरी जो फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इन यूपीएससी एग्जाम 2016। तो आई एम नॉट दिस आइडिया इन दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर एंड हाउ इज प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसके बाद मैंने क्या किया, 2016 में दिल्ली चला गया कोचिंग के लिए, ओके। ये मेरी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो मेरी जो पहली प्लान जो मैंने एग्ज़ाम की थी जो अटेम्प्ट जो पहले, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई डोंट नो किस तरफ से सॉल्व किया जाए क्वेश्चन, मुझे नहीं पता था। तो ये सी मेरे सी सेट के क्वेश्चन पेपर है। तो आप भी क्या करेंगे, अपने जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसकी उसको क्या क्या सॉल्व करके देखिए किस तरह से जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर, तो उसी ट्रेंड फॉलोइंग से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये मेरे 2016 का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब मैं आपको देखता हूँ उसके बाद 2017 ना, आपका 2017 का मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये मेरे 2017 का है, तो मेरे को सेकेंड पेपर बस मिला, फर्स्ट नहीं मिल रहा है, ओके। तो 2070 का आई थिंक यही डब्बा हो गया है। तो ये 2070 का जो मेरे क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे सी से पेपर है, किस तरह से पूछता है। आई थिंक मेरे को लगता है जो 2070 का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी सरल आया था। तो मेरे रूम पार्टनर ने, जो हम तीन रूम पार्टनर थे, उसमें से एक ने क्या इसको क्वालिफाई कर लिया, उसने मैथ लिया, लेकिन जो उसका मैथ्स रुक गया, ओके। तो ये 2070 का पेपर है। अब हम देखते हैं 2018 का पेपर, देखते हैं ना 2018 का पेपर देखते हैं। हाँ, अभी दिस इज माई 2018 क्वेश्चन पेपर, ये फर्स्ट पेपर है। तो किस तरह से जो क्वेश्चन पूछा है आप यहाँ पे देखिए ना, हाँ इसने पूछा है, देखिए ना, हाँ देखिए इंग्लिश में देखता हूँ, यू कैन सी
विच आर द फॉलोइंग लेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम भारत में कैसे इसका प्रसार हुआ। इसमें देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इसमें क्या जो पूरे जो एक्सप्लेन है जो क्या भारत में कैसे एजुकेशन का प्रसार हुआ। जनरल कमिटीज ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हो गया, ओरिएंटेड इन एंग्लिश कंट्रोवर्सी। तो इसमें क्या मैंने गलती कर दी है, थर्ड स्टेटमेंट को मैंने ध्यान नहीं दिया, जबकि इसका आंसर 1 and 2, 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, अब यहाँ पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने कहा रेणुका लगाया, तो इसका कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। विद रिफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प करेंगे इसको भी देखिए मैंने किस तरह से बनाया। जब मैं एग्जाम हाल से बाहर आया मैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, और किस तरह से जो मैंने क्वेश्चन है उसको क्या डिटेल से मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। ओके तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हुए क्वेश्चन किस तरह से डिटेल्स अटेम्प्ट करना है हमको। ओके तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्या है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह से मैंने क्या है क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट किया। और मैं अपने साथ हमेशा टैब रखता हूँ ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो स्टडी करने में, कि आप यू कैन सी दिस माई टैबलेट ले लो। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया, जिससे आप कोई भी स्टडी करना है प्लानिंग करनी है तो मैं क्या है सर टैबलेट का यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इस टैबलेट का यूज़ करने से। आई कैन यूज़ टैबलेट एवरी टाइम इन स्टडी, ओके स्टडी पर्पज। तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल हो गया यूएनएफसी सचिवालय, जिसका सही आंसर क्या है 13 का आंसर है द यूएनएफसी यूएनएफसी सचिवालय ना। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन है, भारत में अपने सिख शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं से अर्मेनियन की जीवन पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जॉन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर विलजी। तो तीसरे स्टेटमेंट को देखिए, क्या फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक आर्थर विलजी थे ना, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर विलजी ने नहीं किया था। तो जो स्टेटमेंट में काफ़ी घुमाव फिरा के करता है, तो जिसका सही आंसर हो गया कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के समय स्थापित किया गया था। ओके तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नॉट इन ईजी, देट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन यूपीएससी इन आस 2018 ना। ओके जैसे यहाँ पे पूछा है कि आप देख, जैसे कि कभी कभी जो न्यूज़ में रहता है जैसे कैटलोनिया किस लिए प्रसिद्ध, क्रीमिया मिडल में ओरोमिया, इसका 1 and 2, 3 आंसर है। ओके तो इस तरह से कि ये 2018 का क्वेश्चन है, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए और हमें क्या आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। ओके कुछ बेसिक होता है, कुछ अपने क्या जो कॉमन सेंस से आप सोल्व करेंगे। हाँ ओके तो ये है मेरे जो 2018 के जो पुराने क्वेश्चन पर है, ओल्ड क्वेश्चन पर यूपीएससी इनास, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है यहाँ दिया है। और उसके बाद देखते हैं हम 2018 में सी सेट, ये जो सी सेट का क्वेश्चन है यहाँ पे भी दिया है। देखिए सी सेट का क्वेश्चन किस तरह से यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, तो हमें क्या क्या करके सॉल्व करते जाना है और देखते जाना है कि हमसे कितना सॉल्व होता है, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरे क्या 2018 का। अब हम देखते हैं 2019, ओके 2019 का देखते हैं हम क्वेश्चन। ये मेरे सेकेंड पेपर है 2019 का, ये मेरा फर्स्ट पेपर है 2019 का। तो आप देख रहे हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर, तो ये फर्स्ट पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं ना, कोई क्वेश्चन उठाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है जागीरदारी के बारे में, जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या डिफरेंस। जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशेंट मेडिवल पढ़ेंगे तभी आपके इसको काफ़ी से क्या है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जागीरदार से वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड एसेटमेंट इन लियू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर एज जमींदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी है एनी है। मतलब इसको मैं ऑप्शन को एलिमेंट करूंगा, आपने अगर पहला ऑप्शन को एलिमेंट कर दिए भाई, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं टू या फिर बी या डी। तो लैंड एसेटमेंट टू जागीरदार्स वेयर हेरिटेज एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेयर नॉट हेरिटेज, अगर आपने पढ़ा है राजस्व अधिकार के बारे में वो संगत नहीं थे तो आप इसको लीजिए, इसका आंसर डी होगा। ओके इस तरह से आप क्वेश्चन एलिमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से जो मूर्ति से रिलीफ है कल्चर सिलेक्ट में अशोक के जो प्रस्तुत रूप में राज्य में अशोक राज्य जो राज्य थे अशोक उनके क्या उल्लेखित है, तो कहाँ इसके बारे में डिफिनेशन कहाँ डिटेल्स दिया हुआ, तो इसका डिटेल कंगन हल्ली में दिया गया है। ओके ये इस तरह से जैसे कि बुद्धिस्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, बुद्ध में देवोत्तरम हो गया, बोधिसत्व के पद पर चलना गया, मूर्ति उपासना धर्मशा, इनमें से क्या कौन जो महायान बौद्ध मत के, तो 1 and 3 तीनों सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन एलिमिनेशन करना सीखिए मेरे सीखें, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके तो यू कैन सी माय ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान,
तो विजयनगर यू कैन आस्क इन यूपीएससी किस राज्य में कल्याण मणिकृष्ण मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलेखन थी, तो विजयनगर ना कल्याण मंडल। तो मैंने बताया आपका जो आपका नितिन सिंघानिया आर्ट्स एंड कल्चर है उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है जो कल्याण मंडप है उसकी क्या है जो रचना है, जो विशिष्ट लक्षण है मंदिर निर्माण किया जाता है वो क्या है विजयनगर में, विजयनगर के जो राजा है कृष्णदेव राय के समय में किया गया था। ओके तो ये है मेरे आपका 2019 क्वेश्चन पेपर की तरह से यहाँ पे बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, मतलब जो पुराने जो कृषि समय जो पुराने और आधुनिक समय में कौन कौन से जो ये प्रश्न शुरू हुआ, तो टोबैको कोको द रबर हो गया, टोबैको कॉटन है रबर हो गया, कपास काफी गन्ना गया, तो जो ओल्ड में क्या क्या खाए जाते थे जो ओल्ड ओल्ड समय जो पुराने समय में और जो नए समय में किस समय से का प्राचीन में इसका शुरू हुआ, तो टोबैको तो पहले भी खाते थे कोकोवा एंड रबर ये भी जानते थे, तो टोबैको एंड कॉटन एंड रबर ये जो आधुनिक जो नवीन समय में है इसका यूज किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है टोबैको कॉटन एंड रबर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखिए फेमस प्लेस पंढरपुर चंद्रभाभा का तिरुचिरापल्ली हंगी हम्पी मालप्रभा, तो आपने अगर एलिमिनेशन के लिए एक क्वेश्चन जैसे हम्पी हम्पी कौन से नदी की किनारे है, हम्पी हम्पी आपका तुंगभद्रा किनारे नॉट मालप्रभा, तो ये ऑप्शन अगर आप तीसरा एलिमिनेशन कर देते तो आपका आंसर आ गया 1 और 2 यानी पंढरपुर का है चंद्रभागा हमारा तिरुचिरापल्ली क्या है कावेरी नदी के तट पर बसा है, तो आप हम्पी अगर पकड़ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो एक एस्टिमेट आपने एलिमिनेशन कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यूपीएससी आस्क इन एवरी ईयर 40 से 45 ईयर्स क्या 1, 2, 3 स्टेटमेंट 1, 2 only 2, 3 स्टेटमेंट 1, 2, 3 only 1, 2 only बहुत 1 और 2 only, तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप इस तरह से आपने एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है तो आपके लिए काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगी। देखिए अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रोवर्सी जो खेलती है आपका यूपीएससी क्या गेम खेलती है, देखिए समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ साग भक्षी होती है, मछली की कुछ जातियाँ साग भक्षी होती है, समुद्री स्तनपाई की कुछ जातियाँ साग भक्षी होती है, सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होते हैं अंडे देने वाले होते हैं, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी दैट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर आस्क इन यूपीएससी 2019। तो इस जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन ये था 1, 2, 3 और 4 तो सभी सही है ना, सम सम करके लगे इस तरह से जो क्वेश्चन आपकी एलिमिनेशन टेक्निक है किस तरह से आप अटेंड करेंगे क्वेश्चन को वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मैंने किस तरह से जो पी सेट क्वेश्चन लाने इसको मैंने काफ़ी डिटेल से मैं आप लोगों को बताया। आप जो आपका सी सेट देखेंगे सी सेट भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका क्वालिफाइंग पेपर होने के बावजूद भी इसमें कई लोग क्या फेल रहते हैं, कई बार क्या मैंने भी इसमें 3 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार में सी सेट में फेल हो गया, तो सी सेट के लिए आपको क्या है 3 से 4 महीने आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके तो सी सेट का टाइम क्या है 2.5 से आपका 4.5। ओके तो आप क्या है दोपहर में जो भी आपका टाइमिंग है किसी भी टाइम आप क्या है सी सेट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए हार्डली आपका 33% आना जरूरी है, 27 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, इस तरह से आप सी सेट के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका 2020, तो ये मेरा 2020 फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है। हाउ कैन द सॉल्व इन दिस क्वेश्चन भारत की जैव विविधता के बारे में, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ कपरमिंट कार्बेट ग्रे चिरेड मिनवेट और हाइड्रिस डिस्टर्ब क्या है, तो एक पक्षी के बारे में ना यहाँ पे देखिए भारत के साहित्य संदर्भ परिवराजक क्या है, श्रामण क्या है, उपासक क्या है, तो ये सब क्या है जो बौद्ध धर्म के से संबंधित है, तो आपने क्या जो 2 ऑप्शन को देखिए श्रामण क्या है उच्च पद प्राप्त पुजारी, कहीं से भी ये स्टेटमेंट लग नहीं रहे कि जिससे मीन खाएगा, तो सेकंड ऑप्शन के जैसे ही हम एलिमिनेशन किए हमारा आंसर आ गया 1 और 3। ओके तो इस तरह से भारतीय हाथी के समूह में जिनकी कथन विचार कीजिए, अब यहाँ पे जो आपको एलिमिनेशन करना है कि जो हाथी के समूह के नेतृत्व मदद करते अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, वरना एक स्टेटमेंट को पकड़िए कि भारत में के राज्य में हाथी की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में, आपने केरल में जरूर देखा यू कैन सी एन क्या है लार्ज नंबर ऑफ केरल बट मोर देन एलिफेंट इन फाउंड इन कर्नाटका कर्नाटका, तो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आपका आंसर आ गया ए यस सी, तो आपका 1 और 2 इज करेक्ट आंसर है। ओके इस तरह से आप क्वेश्चन अटेंड करना सीखिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और हेल्प होगी। ओके तो ये था मेरे क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2020 और ये आपका 22 का क्या आपका 2020 का सी सेट है किस तरह से हमें अटेम्प्ट करने से किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको लास्ट टाइम दिखाऊंगा मेरा 2021, तो ये मेरा आपका 2021 का है, अब 2022 का भी एग्ज़ाम दिलाऊंगा 5 जून को, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा भाई आपका 2021 का किस तरह से जो क्वेश्चन है काफ़ी डिफिकल्ट जन जाती है। ठीक है
भारत के संदर्भ में हल भी हो और कोई पद किससे संबंधित है, तो आपको आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छी तरह डिटेल पढ़ा है तो ये क्या जनजातीय भाषा है ना, आपका हल भी हो गया कोई, तो ना तो ये कोई गुफा है ना कोई वाद्य यंत्र है ना पश्चिम भारत का नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी, संपूर्ण, तो इसका आंसर है बी आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो काफ़ी अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भारत के संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत निजता का अधिकार है, तो इसका आंसर आर्टिकल 21 है ना, ओके आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी ये सब चीज़। और जो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जैसे अनुवांशिक रोग के बारे में, कुछ साइंस एंड टेक के बारे में क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, भारत के समय डीडवाना कुछ अमन क्या है, ये क्या मैंग्रोव डाला था, तो ये क्या है डी ऑप्शन सेलैंड लैक्स है ना। सिंधु नदी के बारे में पूछा है तो क्या है चेनाब है, सिंधु नदी जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं ना आर्ट्स एंड कल्चर में हो गया आपका आपका प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, तो सिंधु नदी प्राचीन चार नदियों में तीन नदियों इनमें किसमें एक नदी में मिलती है, तो सिंधु नदी जो मिलती है उसके बारे में वह पूछे, तो सिंधु नदी सीधे मिलती है किसे चेनाब से मिलती है ना, ओके नॉट सतलुज दिस इज रॉन्ग आंसर है। नदियों के बारे में पूछता है जैसे यहाँ नदी पूछा ब्राह्मणी नागावली सुवर्ण रेखा वंशधारा है, कौन सी पूर्वी घाट से निकलती है, तो इसका आंसर 2 और 4 हो गया नॉट 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एटम, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेशन कर लेते हैं तो आपका आंसर आ गया, जैसे प्राचीन भारत इतिहास में भवभूति ये आर्ट्स एंड कल्चर है, मैं मेरी एकदम करेक्ट हुई थी क्योंकि मैं जानता था कि भवभूति क्या है, एक नाटककार है, नॉट क्या आपका टेम्पल आर्किटेक्ट हो गया, फिलोसोफर हो गया, जैन मॉन्क्स हो गया, ये क्या है प्ले राइट्स थे, एक क्या नाटककार थे ना भवभूति, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे देखिए मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट के बारे में पूछा है, 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार में 20 वर्ष के से अधिक आयु सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की थी, दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वन स्टेटमेंट रॉन्ग। अब क्या अब बी और डी को देखिए, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल ने महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान प्रदान किया था, हाँ दैट इज वेरी करेक्ट आंसर है, तो आंसर केवल 2 इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए औपनिवेशिक भारत में शाहनवाज खान प्रेम कुमार सहगल गुरुभूषण ढिल्लो याद कीजिए किस लिए भैया आजाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, तो आपको पता है आगे दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। जिससे हिंदू फीमेल स्कूल में संबंध थे कौन संबंध थे, तो आप किसके संबंध थे ईश्वर चंद विद्यासागर, मैंने रॉन्ग कर दिया था इसको, ईश्वर चंद विद्यासागर है ओके। यहाँ पे इनमें कौन अनुचित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत का सॉन्ग ऑफ फ्रीजन, तो यहाँ पे क्या आपका आपका किसने लिया मोहनदास करमचंद गांधी को लिया नॉट सर यूनाइटेड ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया। ये देखिए ये बिल्कुल सही है, आर्ट्स एंड कल्चर माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे पूछा है डायरेक्ट अजंता गुफा है बागरो नदी की घाटी में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सांची स्टोन चंबल घाटी की ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये सब करेक्ट है, तो आपको जब पता है तभी लगाइए, जो चार स्टेटमेंट ये रहता है आपका उसमें क्या आपको एक तो बिल्कुल सही ढंग से पता तभी आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। भारतीय क्या संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है, हैदराबाद राज्य से आरकोट निजामत को दे, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर को दे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, तो आपका यहाँ पे देखिए दूसरा, अब जो पहला स्टेटमेंट तीसरा देखिए रोहित खंड राज्य गठन अहमद राज दुनारी द्वारा अधिकृत राज्य से हुआ है, तो आप इस तरह से एडमिशन टेक्निक कीजिए, तो इसका आंसर क्या है डी थर्ड हो गया, ओनली थर्ड आंसर गलत है, अगर आपने 2 को गलत कर दिया 1 2 3 तो आपका आंसर वैसे ही आ गया, ओनली ओनली केवल थर्ड स्टेटमेंट, इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जैसे कि यहाँ पूछा है जियोग्राफिक निम्न किसका प्रयोग प्राकृतिक मच्छर, मुझे पता था लेमन घास, तो मैंने लेमन घास में लगा दिया ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपका भोजी फिल्टर, मतलब ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिल्टर, फिल्टर क्या हम जैसे कि समुद्र किनारे जाते हैं नदी किनारे जाते हैं हम वहाँ सीपी देखते हैं ना, तो वो क्या करता है जो आपका जल को छानने का फिल्टर है, तो वो सीप है जिसको क्या आयस्टर ना ओके, तो ये आंसर आपको पता होगा जब ने आप पढ़ी होगी काफ़ी डिटेल से जियोग्राफी, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ओके। तो इस तरह से क्या जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टेक्निक है मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मुझे आराम से बताना चाहिए, जो सी सेट है वो भी इस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, हम जो नेक्स्ट क्लास में कभी और लेकिन सी सेट के बारे में आपको काफ़ी डिटेल बताऊंगा किस तरह से जो यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन पूछती है। तो आज के क्लास में हमने बस यही बस जो आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्लान है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से यहाँ पर देखा,
और आगे भी मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से हमें क्या एक एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आप लोग को बताते रहूँगा। ओके, तो दिस इज़ माई टैबलेट, यूज़ माई स्टडी पर्पज। मैंने आपको बताया कि पिछले समय जो आपका विजन IAS है, जो मेरी आपका लॉगिन साइट है, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था, तो मैं आपको बताते रहूँगा नेक्स्ट। तो आज की क्लास बस इतनी, यहीं पर ब्रेकअप करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको क्वेश्चन लाऊंगा, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। ओके, बाय बाय, सी यू।